योगिनी, कर्म योगिनी, रण रागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इंदौर महेश्वर मार्ग में बीच वाले पहाड़ी इलाके में जाम घाटी बनवाई थी। वहाँ एक सुंदर द्वार बनवाया और वहाँ यह इबारत उकेरी गई, श्री गणेश को नमस्कार, स्वस्ति श्री विक्रमार्क संवत 1847, शक 1712, द्रुमति संवत्सर, माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, पुष्पक सूर्य बुधवार के दिन, मल्हारराव की बहू, खंडेराव की पत्नी, शिवभक्त ब्राह्मणों का सम्मान करने वाली अहिल्याबाई ने यह सुंदर मार्ग द्वार बनवाया है। एक दिन जब राजकाज का काम चल ही रहा था, तभी एक कवि मुझसे मिलने आए। मैंने उनका नाम पूछा और आने का प्रयोजन पूछा। वे बोले, मेरा नाम मोरोपंत है, भारतवर्ष के कोने कोने में आपको देवी माँ समझकर पूजा जाता है, हर व्यक्ति आपकी स्तुति करता है, आप पर प्रेम विश्वास और श्रद्धा रखता है, आप गंगा जल निर्मल हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। मैं गंगा माता और विष्णु पद गाता हूँ और आपका प्रजा के प्रति वात्सल्य देखकर आपकी स्तुति में गीत रचना चाहता हूँ। मैंने उन्हें नमस्कार कर कहा, गंगा माता और विष्णु पद हमारे आराध्य हैं, हम इन पर लिखा काव्य सुनना जरूर पसंद करेंगे, पर हमारी स्तुति न करें, आप परमेश्वर की स्तुति करें। मोरोपंत बोले, मातुश्री, आप भी हमारे लिए देवत्व को पार कर चुके हैं, आप आज्ञा दें, हम आपकी कीर्ति सुनाना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं सिर्फ ईश्वर भक्ति पर ही काव्य सुनना पसंद करूंगी, मेरी स्तुति में लिखे काव्य तो मैं नर्मदा में प्रवाहित कर देती हूँ। मोरोपंत बोले, जैसी मातुश्री की आज्ञा, अब मैं सिर्फ ईश्वर स्तुति ही प्रस्तुत करूँगा। मैंने उनका भक्ति काव्य सुना और मान धन देकर विदा किया। ईश्वर के प्रति मेरी बचपन से ही असीम श्रद्धा रही, इसलिए मैं देश के मंदिरों के रखरखाव के लिए व्यवस्था करना चाहती थी। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में धर्मशाला घाट तथा मंदिर बनवाए, हरिद्वार में होलकरवाड़ा तथा कुशाघाट, काशी में श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा वीर हनुमान की प्रतिमाएं स्थापित की। ये राम पंचायतन प्रतिमा मकराना से बनकर महेश्वर पहुंची। महेश्वर में प्रतिमाओं का राजकीय तौर पर शास्त्र सम्मत विधि से मैंने पूजन अभिषेक किया। राम पंचायतन की दो प्रतिमाएं थी, एक तो काशी में प्रतिष्ठित की और दूसरी राम जी की लीला भूमि चित्रकूट में। मेरे विश्वसनीय आनंदराव यादव
इन प्रतिमाओं को इंदौर ले गए हैं। यहाँ भक्ति भाव के साथ नगर भ्रमण, भजन मंडलियों के साथ शोभा यात्रा निकाली, फिर होलकरी सेना के संरक्षण में ये प्रतिमाएं उज्जैन होते हुए काशी और चित्रकूट पहुंची। काशी में मणिकर्णिका घाट के पास स्त्रियों के लिए अलग से जराना घाट बनवाया, धर्मशाला, दशाश्वमेघ घाट, कपिलधारा धर्मशाला, मणिकर्णेश्वर मंदिर, गौतमेश्वर, अहिल्येश्वर मंदिर बनवाए। काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप ही 5 मंडपों से सुशोभित मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त पर पंडित जयराम ब्राह्मण को बुलवाया गया। बाद में दशाश्वमेध घाट की ओर तारकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पंढरपुर सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र माना जाता रहा। यहाँ विट्ठल रुक्मणी का पुरातन मंदिर है। मैंने भगवान विट्ठल जी के लिए स्वर्ण जटित मुकुट भेंट चढ़ाया और तुलसी माला भेजी। यहाँ यात्रियों को ठहरने में कोई असुविधा न हो, इसलिए होलकर वाड़ा बनवाया। साथ ही राम मंदिर, तुलसी बाग और महाद्वार का निर्माण करवाया। मैं हमेशा अपने आप को धार्मिक भेदभाव से दूर रखती थी। हर मनुष्य की आस्था का केंद्र मेरे लिए पूजनीय था। जहाँ मैंने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, वहीं मैंने अनेक मस्जिदों व दरगाहों की भी मरम्मत करवाई। इंदौर स्थित पीर सैयद नाहर शाह के मुआविर तरशन नामक फकीर को 15 बीघा जमीन दरगाह के खर्चे के लिए दी। सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण के समय जनता में आवाज उठने लगी कि जो मस्जिदें मंदिरों पर बनी हुई हैं वे मस्जिदें तोड़ दी जाएं और वहीं मूल मंदिर बनाए जाएं। लेकिन मैंने मस्जिदें तोड़वाने से मना कर दिया। सभी धर्मस्थल आस्था के प्रतीक थे, इसलिए मस्जिदें नहीं तोड़ते हुए समीप ही सोमनाथ और विश्वनाथ मंदिर बनवाए। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर सरयू नदी के दक्षिण में बनवाया गया। नागेश्वर मंदिर धर्मशाला सहित बनवाया। सूर्य घाट और अहिल्या घाट बनवाया। घाट व अन्य निर्माण सुचारू रूप से होते रहे, उसके लिए गानू जी को काशी में ही रखा। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धन देकर 22 अधिकारियों को भेजा। देश भर के धर्मस्थलों और तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार अथवा पुनर्निर्माण हेतु खासगी से धन लेकर भेजती थी, क्योंकि खासगी खजाने का स्वामित्व सदैव होलकर वंश की महारानियों का रहा। न इसमें जनता का धन शामिल था और न ही इस पर श्रीमंत पेशवा का कोई अधिकार था। यह खासगी खजाना उन जागीरों की आमदनी से भरा जाता था जो महारानियों की निजी संपत्ति थी। बाबा साहेब के समय से ही गौतमाबाई सासू माँ ने खासगी के अधिकार मुझे सौंप दिए थे। इस संपत्ति का पूर्ण उपयोग मैं दान पुण्य में ही करती थी। वेलोर में कृष्णेश्वर मंदिर और महाकाल की पुण्य नगरी अवंतिका में भगवान महाकालेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया एवं महाकालेश्वर की पूजा की व्यवस्था की। हमारे कुलदेव मल्हारी मार्तंड मंदिर का जेजुरी में जीर्णोद्धार किया। उज्जैन में चिंतामणि गणेश मंदिर बनवाया। चारों दिशाओं के पवित्र चारों धाम 12 ज्योतिर्पिंड अयोध्या,
काशी, गया, मथुरा, अवंतिका सहित सभी प्रसिद्ध तीर्थों सहित लगभग 12,000 से ऊपर मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों पर जीर्णोद्धार कार्य शास्त्रोक्त विधि से संपन्न कराए। संकल्पानुसार हर जगह पूजा विधि निरंतर जारी रहे, इसलिए अनेक जागीरें भी खरीद कर जिम्मेदार व्यक्तियों को सौंप दी। गया में विष्णुपद मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाकर वहां ईश्वर के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करने अपनी मूर्ति भी बनवाई। चौंडी गांव में नदी पर घाट और अहिलेश्वर मंदिर बनवाया। केदारनाथ में भी ऊंचाई पर पत्थरों से धर्मशाला बनवाई और पानी का कुंड बनाया। महेश्वर में 97 मंदिरों का निर्माण किया। गंगोत्री में विश्वनाथ भैरव और अन्नपूर्णा के मंदिर बनवाए। महाराष्ट्र के बाहर संपूर्ण भारतवर्ष में मंदिरों, घाटों की व्यवस्था, वृक्षारोपण, कुएं, बावड़ियों, बड़ी सड़कों का निर्माण, कलकत्ते से लेकर काशी तक उत्तम सड़क बनवाई, पशु पक्षियों की खाद्य व्यवस्था, धर्मशालाएं, अन्न क्षेत्र की व्यवस्था की। शरद काल में अनाथों को कंबल प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की। मैं जानती थी भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना कितना जरूरी था, इसलिए मैंने किसानों के लिए ये नियम बना दिया था कि वे अपने खेतों में 20-20 पेड़ नीम, औदुम्बर, बड़, पीपल, आम, इमली के अनिवार्य रूप से लगाएं, क्योंकि इन पेड़ों की जड़ें जमीन में गहराई तक पहुंचती थी, जिसकी वजह से जमीन में बारिश का पानी रुकता था। इन 20 पेड़ों में 11 पेड़ सरकारी रहेंगे और बाकी के 9 पेड़ किसानों के रहेंगे। मैंने जनमानस में यह धारणा भी प्रचारित कर दी थी कि पेड़ काटना ईश्वरीय अपराध है।